हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आगे निकलने के मौके होते हैं, लेकिन जब बंदे सोच ही ये रख लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो सारे मौके सामने होने के बावजूद नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि सोच ही है कि नहीं हो सकता। सोच में सिर्फ वही आएगा कि जो उसे कंप्लाई करेगा। हमारी सोच में जो हम चाहेंगे हमें तो वही मिलना है। एक बंदा जो हर वक्त ये बताने पर तुला हुआ है यहां कुछ नहीं हो सकता, उसके सामने कोई ऐसी चीज आएगी जो हो सकती है, वो उसके नोटिस में ही नहीं आएगी। ये ना दिमाग की हमारी एक एबिलिटी है, इसे मैं जरा ना आपको यहां पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवाता हूं कि ये एबिलिटी क्या है। आप यहां पर बैठे हुए हैं पिछले कम से कम एक घंटे से, ऐसी है जी। इवन के आप 15 मिनट से भी बैठे हों, इवन के आप 5 मिनट से भी बैठे हों, तो जो मैं अब आपसे सवाल करने लगा हूँ ना, उसका जवाब बड़े आसानी से दे सकते थे। सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस रूम में कितनी चेयर्स पड़ी हुई हैं। जी जना, काउंट किए बगैर बताएं। 12-15, इधर भी 12-15। आप ऐसा करें, एक बार काउंट कर लें, कितनी है जी? 16 है, 15 पूरी। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वजह है कि हमें जिस चीज का पिछले एक घंटे में नहीं पता चला एग्जैक्ट, क्योंकि 12 से 15 बता रहे थे ना ज्यादातर, और जिन्होंने कहा था 15 है, और फिर एक पॉइंट आया कि 16 है, फिर सबने दोबारा गिनी चेक किया अच्छी तरह, नहीं नहीं 15 ही है। क्वेश्चन है कि क्यों जो काम आपने चंद सेकंड्स में कर लिया वह पूरे घंटे में क्यों नहीं कर पाए? एक तो टारगेट नहीं था, और इसकी एक और भी वजह, फोकस नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी, चीजें इसी तरह से हमारी नजरों के सामने होती हैं, जो हम चाहते ही नहीं है वो हमें मिलती ही नहीं है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने अभी अभी आई है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो आपके दिमाग ने उसे नोटिस में लाया ही नहीं। राइट, तो अब जरूरत पड़ी तो आपके नोटिस में आ गई चीज। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आगे निकलने के मौके होते हैं, लेकिन जब बंदे सोच ही ये रख लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो सारे मौके सामने होने के बावजूद नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि सोच ही है कि नहीं हो सकता। सोच में सिर्फ वही आएगा कि जो उसे कंप्लाई करेगा। हमारी सोच में जो हम चाहेंगे हमें तो वही मिलना है। एक बंदा जो हर वक्त ये बताने पर तुला हुआ है यहां कुछ नहीं हो सकता, उसके सामने कोई ऐसी चीज आएगी जो हो सकती है, वो उसके नोटिस में ही नहीं आएगी। वजह उसकी क्या है? वो तो बताना ही चाहता है, वो देखना ही चाहता है, वो देखता ही प्रॉब्लम्स को है। जैसे एक बंदा था ना, वो हमेशा बीवी थी, चले बंदे बैठे हुए बीवी कह देते हैं बोले विंडो से बाहर देखा करती थी, तो हम सायों की तरफ देखा करती और अक्सर अपने शौहर से कहा करती है, देखो जरा वो छत पे, उन्होंने आज फिर से तो कपड़े धोने ही नहीं आते, पता नहीं इसे क्या मसला है, देखो सारे कपड़े गंदे उसी तरह से धो के जो है वो डाल रही है खुश्क होने के लिए। तो बार बार अपने शौहर से शिकायत किया करती थी कि ये जी भी है, इसे तो देखें कपड़े धोने नहीं आते। एक दिन क्या हुआ, क्यों कहती, वाओ आज लगता है इसने अपना कोई सर्फ चेंज कर दिया है, कोई वॉशिंग पाउडर चेंज कर दिया है, जिस या इसने मशीन चेंज की है, आज तो सारे कपड़े बड़े साफ सुथरे धुले हुए नजर आ रहे हैं। उस शोहर ने बताया, इसने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ये विंडो साफ कर दी है जहां से तुम देखा करती थी तो वो गंदी में से गंदगी वो वैसे ही नजर आता था, तो उसने कहा बस मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू को जरा साफ कर दिया। राइट जी, तो बस हम कोशिश करें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरा साफ हो जाए, ताकि हमें जरा अपॉर्चुनिटीज क्लियरली नजर आना शुरू हो जाए।